वेलकम बैक टू माई चैनल जॉलीवुड बाई जॉली भाटिया। कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर आप सब अपने अपने घरों में एकदम मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल मजे में हूँ। और आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अपने हेयर केयर सीक्रेट का फॉर्मूला, जो मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों के साथ में शेयर किया था, यानी कि पिछले संडे मैंने जो व्लॉग डाला था अबाउट द सीक्रेट बिहाइंड माई लॉन्ग हेयर। और उसमें मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि मैं कुछ अलग अलग टाइप के ऑयल्स यूज़ करती हूँ अपने घर में बनाए हुए, कुछ कुछ मार्केट से रेडीमेड लिए हुए ऑयल्स जो है वो मैं यूज़ करती हूँ, और उसके वजह से मैं अपने हेयर को मेंटेन कर पाती हूँ, मॉइस्चराइज कर पाती हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था गाइज कि अगर आपको कोई हेल्थ कंडीशन है, जैसे कि यू नो थायराइड है, या आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, या फिर आप कोई हैवी मेडिसिन ले रहे हो किसी भी एक्स वाई जेड रीज़न के वजह से, और उसकी वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है, या आपको कुछ यू नो हेयर से रिलेटेड कुछ भी इशू हो रहा है, कभी कभी टैप वाटर के वजह से, वाटर हार्ड होने के वजह से भी बाल झड़ते हैं, तो देर आर न्यूमरस रीजन्स लाइक दिस। तो अगर आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए, एक अच्छे से डर्मेट के पास जाइए, एक अच्छे से हेयर एक्सपर्ट के पास जाइए, और उनसे आपका स्किन और हेयर का एक बार टेस्ट कराइए, और बेस्ड ऑन दैट मेडिसिन लीजिए, क्योंकि उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, उसी से एक्चुअली फ़र्क पड़ता है। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अच्छे हेयर अच्छी स्किन पाने के लिए, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो है आप न्यूट्रिशन क्या लेते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट एक्सटर्नल ब्यूटी गाइज, इट्स अबाउट योर इंटरनल ब्यूटी एज वेल। आप अपने सिस्टम में क्या डाल रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, इसका इम्पैक्ट आपकी स्किन हेयर और आपकी ओवरऑल हेल्थ पे पड़ता है। तो ये चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं उसी के भरोसे पे प्लीज़ मत रहिएगा। सो ये था मेरा डिस्क्लेमर। सो आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ में शेयर किया था कुछ हेयर ऑयल के बारे में, मैंने कुछ अलग अलग ऑयल्स बताए थे जो मैं मिक्स करके और उसमें कुछ हर्ब्स डाल के मैं ऑयल बनाती हूँ अपना खुद का। और ये जो ऑयल मैं बनाती हूँ वो मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाती हूँ, और कोई बेचने वेचने वाला कोई आयुर्वेदिक ऑयल वगैरह मैं कुछ बनाने नहीं वाली हूँ। सो ये जो ऑयल है ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मुझे काफ़ी हेल्पफुल हुआ है, तो मैं आप लोगों के साथ में ये शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, और उसके साथ साथ में सावधानी भी बरतिएगा कि आपको यू नो कहीं एलर्जी है या कुछ है तो बी केयरफुल अबाउट इट। सो या चलिए चलते हैं, मैं आज के इस व्लॉग में आप लोगों को बताने जा रही हूँ द सीक्रेट हेयर ऑयल फॉर माई हेयर, लेट्स गो। सो गाइज, फटाफट आप लोगों को बता देती हूँ कि इंग्रेडिएंट्स जो है वो क्या क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने इंग्रेडिएंट्स में रखे हैं मेथी दाने, जी हाँ सूखे मेथी के दाने हैं, काले तिल है, करी पत्ता है यानी कि करी लीव्स है, उसके अलावा एलोवेरा है जो मैंने एक आखा जो है बड़ा सा एलोवेरा कट किया हुआ है, और उसी के साथ साथ जैस्मिन का फूल है जिसे हम हिबिस्कस का फ्लावर कहते हैं, वो एक ही था मेरे पास में। मैंने पिछले वाले जो व्लॉग में तेल बताया था उसमें मैंने 7 से 8 हिबिस्कस के ये जो फ्लावर्स है वो डाले हुए थे, लेकिन इस बार मेरे पास में सिर्फ एक ही फ्लावर था, और वो भी इस तरीके से सुबह में यू नो भगवान को चढ़ाया था, तो वही मैंने यूज़ कर लिया। और फटाफट से आप लोगों को चल के दिखाती हूँ कि कैसे हमें ये इंग्रेडिएंट को रेडी करना है। सबसे पहले गैस जलाना है, उसके ऊपर कढ़ाई रखनी है, और ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं एक बार एक वन बाय वन करके हमें डालने हैं। तो सबसे पहले मेथी दाने और जो तिल है वो मैं थोड़ी देर के लिए उसे अच्छे से भून लूँगी, और उसके बाद में बाकी के जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो डालूँगी। सो गाइज़, ये जो मिक्सचर है उसे 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही चलाना है हमें, थोड़ा उसे गर्म करना है, थोड़ा रोस्ट कर लेना है, और उसके बाद में उसमें करी लीव्स डाल देने हैं। करी लीव्स डालने के बाद में आप उसमें जो ऑयल है, सबसे पहले मैंने जो ऐड किया है वो है हमारा आमंड ऑयल, मैंने अभी डाला है, आप देख सकते हैं मैं ये वाला आमंड ऑयल यूज़ करती हूँ, मैं किसी चीज़ की ब्रांडिंग नहीं करना चाहती। उसके बाद में मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ किया है, कोकोनट ऑयल और ये जो है आप जितना डालना चाहो उतना डाल सकते हो, मैं तो बहुत खुले हाथ से डालती हूँ। सो आधा कोकोनट ऑयल और आधा आमंड ऑयल दोनों मिक्स कर लिया, और उसके बाद में ये कैस्टर ऑयल का बॉटल है जो हाफ है मेरे पास में, इससे पहले मैंने हाफ यूज़ किया था, तो ये हाफ से भी थोड़ा सा ज़्यादा मैंने जो है वो यूज़ कर दिया इसके अंदर। ये कैस्टर ऑयल थोड़ा सा गाढ़ा होता है, लगाने पे भी गाढ़ा होता है, तो बी केयरफुल, थोड़ा ही डालिए। उसके बाद में ये जो एलोवेरा है मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ, इसको इस तरीके से कट करना है, एंड
उसकी साइड के में जो थ्रोन्स लगे हुए हैं, कांटे लगे हुए हैं, उसको भी निकाल देना है। और ये जो बीच में का जो है ना, ये जेल है, तो इसको आपको चम्मच से इस तरीके से निकाल लेना है। और इस तरीके से आप निकालोगे तो इजीली निकल जाएगा। तो ये जेल जो है ये निकालना है, और हमें सिर्फ जेल यूज़ करना है। ये जो ऊपर का जो छिलका है वो हमारा किसी भी काम का नहीं है, तो वो हम यूज़ करेंगे। इवन इसके अंदर से एक छोटा जेल भी निकलता है, सिर्फ जेल, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। इसे ग्राइंडर में डाल के, इसको आप ग्राइंड करके भी आप मिक्स आप तेल में डाल सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही डायरेक्ट डाल रही हूँ। तो ये पूरा जो है इतना बड़ा लीव का मुझे इतना जेल मिला है। अब ये जो जेल है ये मैं ऑयल में ऐड करूँगी, लेकिन बी वेरी 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 केयरफुल। हाँ गाइज, ये देखो ये तेल ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। जो आपको पत्ते दिख रहे हैं ना, वो थोड़े थोड़े से गोल्डन ब्राउन होने लग गए हैं। और ये गोल्डन ब्राउन होने के बाद में, इसको थोड़ा सा चलाने के बाद में आप देख सकते हो इस तरीके से इसके अंदर वाइट वाइट ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा तेल तेल के वजह से ही है। अब इसके अंदर मुझे एलोवेरा जेल डालना है। जेल जो है उसमें थोड़ा पानी होता है, तो जब आप तेल में डालोगे गरम गरम तेल में तो वो उड़ेगा। तो बी वेरी केयरफुल इसको डालते वक्त में। ये देखो, इसको डालते ही मैं दूर चली गई किचन से, बिकॉज़ ये देखो पूरा किचन पे ये उड़ा है। मतलब ये अभी इसमें शायद समझ में ना आए, लेकिन ये जब मैंने जेल उसमें डाला तो सारा तेल जो है वो उड़ा है। और बहुत तेज़ आवाज़ आती है और स्मेल भी ऑफकोर्स बहुत अच्छी आती है। लेकिन ये देखो इस तरीके से पूरा इसके अंदर बबल्स होने लग जाएंगे, और ये काफ़ी देर तक रहेगा क्योंकि पानी है। ये देखो आजू बाजू में किचन में सब जगह पे ये जो है तेल और पानी दोनों उड़ा हुआ है। तो ये काफ़ी देर तक चलाने के बाद में 10-15 मिनट के बाद कुछ ऐसा दिखने लगेगा। और ऐसा दिखने के बाद में इसका जो है काम हो चुका है पूरी तरीके से, और अब हम इसे बंद कर देंगे। तो गाइज ये ठंडा होने के बाद में ये देखो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। मैंने इसको बहुत जल्दी नीचे, मतलब अभी आप लोगों को दिखाना था इसलिए मैं आप लोगों को ये छान कर दिखा देती हूँ। ये थोड़ा सा मैसी है, मेरे पास में ये सिर्फ प्लास्टिक का ये एक ही बर्तन है, तो मैं अभी इसमें निकाल रही हूँ। हालाँकि काफ़ी ठंडा हो चुका है, गर्म होगा तो प्लास्टिक के बर्तन में बिल्कुल मत निकालिएगा, अदरवाइज़ प्लास्टिक पिघल जाएगा। अगर आपके पास में कांच का कंटेनर है तो उसमें निकालिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरे पास में नहीं था तो मैंने इसमें निकाल लिया है, और ये आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने इतना छाना है, और ये छान के हो चुका है। सो गाइस, छानने के बाद में इतना तेल निकला है, और शायद और थोड़ा इतना तेल निकलेगा। वैसे तो मैं रात भर इसे रखती हूँ और उसके बाद में छानती हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना भी था कि ये कैसे दिखता है, तो ये देखो कुछ इस तरीके से दिखता है। और आपको इसको वीक में 2 बार अपने सर में लगाना है, स्कैल्प में लगाना है, अच्छे से मसाज करना है, ओवरनाइट रखना है, और दूसरे दिन वॉश कर देना है। सो या दैट इज़ इट। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया हो। सो गाइज, आई होप कि आज का ये जो व्लॉग है वो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, और आप लोग इसका इस्तेमाल करके बेनिफिट ज़रूर पाएंगे। और आप लोगों को अगर आज का ये व्लॉग पसंद आया है तो मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और उसी के साथ साथ अगर ऐसे ही आपको और वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ नीचे मेंशन कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। आज का व्लॉग भी आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों को मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल। हर हर महादेव।